चलिए तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ने वाले थे, हेड ऑफ कोलिजन बच्चा है ना, बच्चा तो कहाँ गया? आज आ नहीं कहा, बच्चा लोग बोले बच्चे हैं आज तो। खैर तो बात ये, जब इलास्टिक कोलिजन में दो चीज होता है, पहला क्या क्या कंजर्व रहेगा? मोमेंटम, तो मुंह उठा के कभी भी कंजर्व हो जाता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप दो इक्वेशन बनाएंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। वेलोसिटी का इक्वेशन पुट कीजिएगा आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले में तो वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल मिल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब वी वन और वी टू का बात कर रहे हैं, अब यू वन और वी टू दिया जाएगा। हमको बहुत मन कर रहा है एक बार प्रूफ कर देने का, आप कर लीजिए बस, हम लोग लिखेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग लिखो, हम बस बोल रहे हो। कितना सारा लिख, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ये? देख तू तो ऐसे भी लिख, ये रही अफीफा, हर बार क्या होते हैं पता नहीं, मुझे तो मेरा क्या पता नहीं है वो कार है गोल धीरे धीरे किसके कार को तो बना रहे ये अफीफा ही है, उसका कार नहीं है तो अफीफा कार है गोल मोटा, तो गोल मटोल से है भी। दूसरा एम टू किसमें टक्कर मारना भी था? साधन को टाइम साधन एक बार साधन ये अपने आप को रखिए। हाँ हाँ तुम हमको टोगेगी ये इतना बड़ा खुशी खुशी। अब तो और पाप लगेगा, पाप कोई नहीं लगे सीधे आपको वैसे ज्यादा बेशरम। अब हमको सोचने दो कि केस किसको क्या बनाए। कंजर्वेशन बोले थे, माय कंजर्वेशन, माय कंजर्वेशन मोमेंटम। चलो ये हमें चोट तो तुम्हें को लगना है, ये यू वन से चल रही है, हम यू टू से चल रहे हैं, मस्त चल रहे थे। अफीफा जैसे सांड दौड़ता है ना वैसा दौड़ना शुरू की, यू वन इज ग्रेटर देन यू टू से, मतलब हम तो मस्त चल रहे थे, ये जैसे सांड लाल कपड़ा देख के दौड़ाता है या पीला कपड़ा देख के दौड़ाता चालू, एकदम छोटा भीम टाइप में जैसे कालिया दौड़ता है कभी कभी वैसा वाला केस, दौड़ी आई और जस्ट टक्कर मारी। टक्कर जब हुआ उसके बाद दोनों का वेलोसिटी अलग होगा, तो ये है अफीफा, ये चलना शुरू किया फिर वी वन से, और जाहिर सा बात है गले में टक्कर हुआ है तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुआ ही है। नहीं इतने भी कमजोर नहीं है, इसका भेजी अभी तक कंफ्यूज है। ठीक है तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हुआ, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू छापी, और उसके बाद क्या इसमें क्या ही मारता कुछ नहीं, एम वन यहां से एम वन एम टू कैसे ऐड करो और कॉमन निकालो, हाँ एक साइड करो, जाहिर सा बात है कॉमन से एम वन ही आ सकता है ना, एम वन और एम टू बाकी से तो अलग अलग ही है, एक यू वन एक यू टू एक वी वन एक वी टू है, तो सिर्फ एम वन और एम टू कॉमन आएगा, एक साइड करो कॉमन निकालो। तो सच में इंसान अफीफा सार सब लिख के बनाए, हम बस वी वन करें नाम मेंशन करें, हमको लिखना होगा साथे लिख देंगे, साथे लिख दोगे, साथे इसका सबसे बढ़िया टारगेट है, जब आइडिया कुछ भी हो साथे लिख रहा है। हो गया एम वन कॉमन निकाले, इधर देखो अफीफा हम्म
नहीं तुम अभी भी मैं भी अगर इंसान बन गए होगे तो लिख लोगे, अभी भी अपने कोलिजन वाले मोड में ही रह जाओगे तो लिखना मुश्किल है। कोलिजन वाला मोड से मेरा क्या मतलब है एक्सप्लेन भी करें। क्या करोगे, दिन खराब था। नहीं आपको लगा बहुत लेट हो रहा होगा बट देखे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अरे मेरा घड़ी स्लो हो गया था, इसको बनाइए। मेरी मम्मी कही 11 बजे से क्लास है तुम्हारा, हम उधर से भी हाँ ठीक है 11 बजे से, हम भूल गए टाइम पे कैसे आ गई। टाइम पे कहाँ है, ये कहता है क्लास शुरू हो गया भैया बात नहीं कर रहे हैं। सी मेरे को बोले इसको नीचे जाकर टूटा जाएगा, बाहर खड़ा होता है ना नीचे का पीरियड नहीं पकड़ता हूँ आज कोई नहीं बचाएगा, आज बॉय फर्स्ट निकलेगा। चलो अगला बारी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तुम लोग सब खुद करोगे। एक पॉइंट बस प्रूफ कराएंगे उसके अलावा एक, इसलिए कि कभी अगर कंफ्यूज हुए क्योंकि आगे हम ट्रिक बनाएंगे और सीधा ट्रिक अगर लिख देंगे तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी बहुत कोलिजन होना फीफा का, चींटी का, हाथी का। चींटी को तो छोड़ दो अबे, हाथी का काइनेटिक एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कीजिए, आने के बाद में कुछ ज्यादा गोरा नहीं हो जाता। नहीं आप नहा गए तो आपको क्या लग रहा है, गोरे लग रहे नहीं? नहीं मेरा नाम है हम काला कब हुए क्लास 8 में, सुबह से लेकर शाम तक छत पे घूम के याद करते थे कितना भी भयानक गर्मी हो हम छत पे ही धूप में रहते पड़ते थे, नहीं तो जाएंगे पूरा मोहल्ला देख रहे सब चीज लड़का पढ़ रहा कॉलेज वाला लड़का देखते ही गाली देना शुरू हुई, लड़का की वजह से हमारा जीना खराब है। जब मैं अपनी कपड़े डाले अभी भी पढ़ रहा था, अरे देख वो अभी भी पढ़ रहा, सुबह में भी गए थे तब भी पढ़ रहा था, अभी शाम हो रहा है कपड़ा लाने जा रहे फिर भी पढ़ रहा है। ये उस वक्त एक लड़की आई थी दिल्ली से श्रिया, वो मतलब कम से कम मेरे घर के ना 15 घर बाद दूर रहती थी लेकिन उसका छत ऊंचा था और जब उसकी मम्मी कपड़ा सब पे डाले जाए अभी भी पढ़ रहा साथ में ही थी, सेम क्लास कोचिंग भी सेम था। सुबह में उसके मम्मी पापा, चूंकि दिल्ली का कल्चर मॉर्निंग वॉक वाला होता है तो सुबह सुबह वो लोग मॉर्निंग वॉक में निकले तो छत पे भी गए हवा हवा खाने फिर नीचे भी घूम रहे थे, पढ़ा 6 बजे सब चले जाते थे। उसके बाद आए छत पे कपड़ा डाल रहे अभी भी पढ़ रहा, फिर बीच में एक आध बार कपड़ा पलट देखे अभी भी छत पे है, शाम में अभी भी छत पे है। वो लड़की की सोचने की वजह देखा तो यार तू पढ़ाई छोड़ दिया छत पे पढ़ना छोड़ दिया, नहीं तो हम कॉल नहीं छोड़ देंगे, मेरा जीना खराब हो गया तेरे वजह से। अरे यार 8 घंटा पढ़ने के बाद फोन खाते हैं लेकिन तब भी गाली मिलता है, एक गजब हुआ होता था उस वक्त। खैर काइनेटिक एनर्जी बनाए फिर से वही चीज, M1 एक तरफ लेके जाइए M2 एक तरफ लेके जाइए, हाफ हाफ तोड़ ही जाएगा तो लोग बस लिख के रुकी हुई है। अच्छा डायग्राम को सीधी बात में हाँ तो ये भी लोली हो गई लोली, अब फिर डायग्राम बना रहे क्या नहीं था आपके सारे लड़की लिखवाइए लड़की मेरे के लिख देना। हाँ अच्छा और क्या ही कर सकती तू, बात करने में लगाया कौन हर वक्त अपनी तारीफ करने लग जाता है, तारीफ कर रहे थे इतना दिन तो अपना गाली सुन रहे किससे सुना रहे थे, ये लड़की हमको किसी तरीके से जीने नहीं देगी समझ गए। वैसे ये मम्मी लोग का डर ज्यादा अच्छा लगता है, ये हमको जीने नहीं देगा। अब फीफा को नहीं पता है तो
कभी ऐसा गाली नहीं सुनी है। क्या सुनी मम्मी से? अरे सुबह सुबह सुने, क्या मजाक कर रही हूँ। देखो देखो सब सुनता है, लाइक सारे आठ घंटे पागल है क्या? आप आपको इज्जत चाहिए मम्मी से लड़ना पड़ेगा। मम्मी देखिए अब हमको चाहिए फुल इज्जत, चप्पल से मारेगी फुल इज्जत चाहिए मम्मी, एकदम फुल इज्जत चाहिए। बीच में कुछ नहीं, कोई मारने वाली नहीं, एकदम फुल इज्जत नहीं। अरे एक ही क्वेश्चन में दो बार लगा, एक बार कंजर्वेशन मोमेंटम, एक बार काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हूँ निकाल रही हूँ यूट्यूब रिलेशन। ये है टू इक्वेशन नंबर टू, ये था वन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन। ये सही है, अभी किसी के चीनी भी खत्म होगा है ना अभी बात। चलो अब रास्ते वाला दुकान चाय पत्ती चीनी सब दूध भी लेके चलते हैं, बोलते हैं कि स्टोव भी लेके चलते हैं, माचिस भी लेके चलते हैं, बस आपको बता देना है। इतना था पीने का शौक है, शादी कर ली थी बीवी के घर और बना दी थी कपकी। ये सही था मम्मी, जब ये सही था शादी कर लीजिए चाय में जहर मिलाते क्या चाय मंगे। ये लड़की अब डरा रही है ठीक तो आपके ऊपर डिपेंड करते हर वक्त चाय नहीं मांगे तो बाकी सब तो ठीक है। आप हमको चाय पीने छुड़वाना चाहती है हो गया इतना डिवाइडिंग जब आप कीजिएगा ना टू बाई वन तो आएगा यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू। यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू। यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू डिवाइडिंग टू बाई वन। और जरा सा करो तो आपको साफ साफ दिख रहा है यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। देख रहे हो एक रिलेशन मिला। अब एक काम करो यहां से वी वन का वैल्यू निकालो और इसमें डाल दो, वी टू आ जाएगा वी वन आ जाएगा। तुमको ये डिवाइड करना है बार बार कर रहे हैं, बस हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से वी वन का वैल्यू निकाले कितना आएगा? क्या समझ में नहीं आ रहा? वी वन का वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आएगा वी वन का वैल्यू? हाँ निकाल भी बन का वैल्यू। बात बोल रही थी अभी तेरा गेम खलास बच्चों का डर और नहीं रहा, कट्टा लेकर करना पड़ेगा जहां कुछ बच्चा कट्टा लेकर उसको हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। कट्टा क्या होता है? लाइसेंस वाले से कौन गोली मारता है भाई? सामने वो है ना सीआरपीएफ घर में रहता है किसको? नहीं मेरे कॉलोनी में कम से कम तो 50 लोग सीआरपीएफ का कम से कम। मेरे वाले बिल्डिंग में 3 लोग सीआरपीएफ, 5 लोग में से 3 लोग सीआरपीएफ जिसमें एक हम भी है और एक जो लैंडलॉर्ड है वही है, बाकी तीनों वही है। कोचिंग छोड़ रहे हम लोग कभी नहीं जाएंगे। अच्छा तुमको मैं जाएगा निकला सर तुमसे तो मिली नहीं उधर निकला लेकिन बताए तो बताओ
इसी क्वेश्चन का वी वन, हाँ इसी को निकाला, वी वन कितना आया, वी टू प्लस यू टू माइनस यू वन कितना, वी टू प्लस यू टू माइनस यू वन, वेरी गुड, वी वन निकालना था, वेरी गुड, सही निकाल लिया, एक वी टू वी वन निकल गया। अब इस वी वन को पुट करो इक्वेशन वन में, और उसके बाद हमको वी टू निकाल के दो, लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वी, कहां गया वी वन इन इक्वेशन वन, और उसके बाद निकालो वी टू, अफीफा कीजिए, गलती हो जाए चाहिए वैसे ही डर रही हो, हिम्मत नहीं करोगी कुछ नहीं होगा, बस यही हिम्मत का तो बात है, कैलकुलेशन में डरना नहीं, थोड़ा बड़ा हल्का हमसे कैलकुलेशन है, सब तो करके दिए। आई नीड वी टू, वी वन आप निकाल लिए, आपको वी टू निकाल के देना है इनको, सही सही बन जाता तो मेरा क्या जरूरत था, सीधा सा बात है, बट यू शुड ट्राई। किसी का आया V2 का वैल्यू, V1 का वैल्यू, ये वैल्यू इक्वेशन वन में डाल के सिर्फ V2 निकालना है, हाँ U1 U2 M1 M2 के टर्म्स में, क्योंकि देखो आपको क्या क्या पता है, इधर सुनो एक मिनट रुक जाओ, आपको चूंकि इनिशियल मास पता है, इनिशियल का मास तो हमेशा ही कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और वी वन वी टू तो आपको पता है, टहराने के बाद कितने से चल रहा है ये तो नहीं पता, तो दो वेरिएबल हो गया, दो दिया हुआ है, दो वेरिएबल, इसने दो ही क्वेश्चन बनाया, ठीक, यहां से जब आप वी वन निकाल लिए और इस इक्वेशन में वी वन पुट करोगे, मतलब आप वी वन को इलिमिनेट करोगे, है ना, और यहां से वी टू आ जाएगा, तो वही सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, एक जगह एक्स का वैल्यू निकाले और वाई वाले इक्वेशन में पुट किए तो वाई मिल गया, बस वही कर रहे हैं, तो दो पता है, ये जो हमको निकालना है, मास भी दिया गया है, वी वन हमें यहां से निकाले, यहां पुट करेंगे तो वी वन खत्म, क्योंकि देखो वी वन करेंगे तो किसके टर्म्स में आएगा, यू वन यू टू और वी टू, वी टू को निकालना ही है तो ये वी टू और वो वी टू यूज में आ जाएगा कॉमन लेकर, और एम वन एम टू U1 U2 के टर्म्स में तो निकालना ही, क्योंकि वो गिवन रहेगा, अब बस निकाल दीजिए, ये निकल जाएगा काम खत्म। 12 बजे तक है ना फिजिक्स, फिजिक्स तो 12 बजे से ना, नहीं सर 12 बजे तक, ठीक है, अब फीफा आधा घंटा झूठ बोलिए तो आधा घंटा बढ़ा के पढ़ेंगे, देख अरे वो सारे घर पे 12 बजे का बोलते हैं, हम फोन कर देंगे घर पे, आज आपकी बेटी बहुत पढ़ना चाहती है, कांग्रेचुलेशंस, आधा घंटा और पढ़ेगी, नहीं ऐसा नहीं, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट फ्री हाफ आवर सेशन फॉर टुडे, कोई लेक्चर और फुल इज्जत के साथ भेजना है, कजन भी देखते कभी कभी अमेजन पे कुछ पेमेंट करो आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन दो चार टोपियों की उड़ा उड़ा के यू हैव गॉट अ कैश बैक ऑफ रुपीज वन, मारे एक क्या एक रुपया भेजा इतना नक्की कर रहा है, उसे अलग दुकानदार छोड़ देगा, बोले कि भाई साहब 5 रुपया नहीं है, बोले ठीक है, और एक दुकान से खाना चाहिए जब भी खाएंगे, उसके बाद तो आज कितना हमसे उतना ही, अच्छा ठीक है हम 60 दीजिए, हाँ बोलिए, एम वन एम टू कट जाएगा क्या, नहीं बच्चे एम वन एम टू कैसे करेगा, एम वन एम टू के टर्म्स में हमको चाहिए, अर्पिता यू हैव गॉट समथिंग, अच्छा हम इक्वेशन बोलना ज्यादा मिला, जब आप इक्वेशन वन में पुट करोगे तो आएगा एम वन, इक्वेशन वन क्या था, एम वन नहीं सॉरी यू वन माइनस वी वन, यू वन माइनस वी वन है ना,
रुक जाओ, विभूति को जरा देख लेंगे। विभूति जल्दी से नजर में देखिए, बाकी लोग भी नजर देख लीजिए। आपके पास 10 सेकंड है। 10, 9 8, 7, 6 आफीफा तुम ढीला पड़ रही हो, ऐसे नहीं होता था, तुमको थोड़ा और कम सम रखना पड़ेगा। तुम पहले से हथियार डाल रही है, अब चूंकि सेशन खत्म पे है फिजिक्स का भी, तो हम एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, जितना हम डरा रहे थे स्टार्टिंग में उतना हार्ड तो नहीं है फिजिक्स, उतना नहीं लगा, हो गया आराम से। हाँ स्टार्टिंग में बहुत मरना भी पड़ा, मानते हैं, जब वीडियो लेक्चर से लगातार धरने से जा रहा था बहुत मरना पड़ा, मानते हैं, लेकिन अभी आप बहुत बेहतर कंडीशन में, जो भी हम तो डरा दें कोई जूनियर डिमोटिवेशन देंगे तो खुशी मिलेगा, हम तो बता देंगे 9th वाले लोग को अभी से साइंस मत लेना, कुछ राब कह लिए, अरे भाई गलती हो गई, तुम भी करोगे क्या? नहीं फैमिली प्रेशर था, फैमिली प्लानिंग का प्रेशर थोड़ा चल रहा है, फैमिली प्रेशर था, साइंस प्लानिंग तो मैथ लेने के लिए बोला गया था हमको, तो बायो का है मेरा मन, हाँ तो ये बात 9th वाले लोग को बोल रहा है ना, अगर तुम चेक क्यों लिए तो भैया क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई कोई मेरे पास ऐसा भी आता है अभी बच्चा जो बायोलॉजी में डरा हुआ होता है, बायोलॉजी मन था सर लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, ये क्या नहीं तो तब बायोलॉजी में मैं ही समझ, बायोलॉजी में कौन डरता है, ना लगवा देगा तू तो बोला बोले पहले ही बताइए, उससे मिलना जरूरी है। वाह विभूति अर्पिता क्या है, गर्ल्स के बारे में डर लगेगा, रुक रुक क्या आया, बोल तू पढ़, 2m1u1 U2 into M1 plus M2 upon M1 plus M2 कुछ माइनस प्लस का खेला है, बाकी सब ठीक है, आप बना दीजिए, हम बोल रहे हैं सुनो, बना दीजिए, जब आप इक्वेशन पुट किए आपका इक्वेशन बनता है M1 into U1 minus V1 is equal to M2 into V2 minus U2, ये वाला देखो ठीक, यहाँ पे अब ये जब पुट करोगे तो आएगा M1 into U1 plus V2 minus U2 minus U1, देखो तो M1 into U1 minus V2 plus U1 minus V2 U2 U2 U1 minus U2 हुआ इज इक्वल टू दूसरे साइड को सेम ही है M2 V2 minus M2 U2। अगले स्टेप पे जब आप आए तो सॉल्व होकर हुआ 2M1 U1 दिख रहा है, 2M1 U1 क्योंकि U1 दो बार है, माइनस M1 U2 plus M2 U2 अच्छा हमको ज्यादा ही शॉर्ट मार दीजिए पकड़, माइनस M1 V2 ये भी करोगे हाँ, नहीं ठीक है M1 V2 ठीक है इज इक्वल टू M2 V2 minus M2 U2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या आएगा, V2 is equal to M2 U2 minus M1 U2, नहीं आया किसी का, नहीं आया हमको, अच्छा पड़ेगा हाँ
बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डांटने का समझ में उसके बदबू में ना शॉर्टकट को ज्यादा ही मारे हुए हैं। शॉर्टकट तो नहीं मारे तो मेरा काम नहीं चलेगा। यहाँ से एग्रीवर कितना है? V2 plus U2 minus U1। यहाँ पुट करना शुरू करते हैं। M1 into U1 minus V1 है ना? एक बार बोल देना। इज इक्वल टू M2 V2 minus U2। चलिए M1 into U1 minus V2 plus U2 minus U1 इज इक्वल टू M2 V2 minus U2। आधा तो यही गलती किया हुआ। माइनस वाला पहले इसको सॉल्व करेंगे। M1 U1 minus M1 V2 minus M1 U2 plus M1 U1 इज इक्वल टू M2 V2 minus M2 U2। ये सॉल्व होकर दो हो गया, 2M1 U1। ये दोनों सॉल्व नहीं होगा। अच्छा हमको V1 निकालना है ना, तो V1 एक साइड में, V2 निकालना, तो V2 एक साइड में करना पड़ेगा, कॉमन निकालेंगे तभी तो V2 निकालेंगे। तो ये तो हो गया -M1U2, इसको U वाले से चले गया, +M2U2 इज इक्वल टू M2V2 और ये +M1V2। बोलो बोर्ड देखते रहो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। बचा ही क्या यार, U2 यहां से कॉमन निकाल लो, M2 minus M1 into U2, देखो तो M2 minus M1 चूंकि माइनस है ना, +2M1U1 by यहां से M1 plus M2 कॉमन निकालो, बोलिए। मैं सतीफा धीरे धीरे एबीसीडी हम भूल जाए तो तुमको अभी भी कहोगे तो याद नहीं होगा, हम लिख के दे सकते हैं। अब तो याद है, जाहिर सा बात है, तभी पूछ रहे हैं। अभी हो गया तो सुनो यार, मैं सुनो कितने को आई याद नहीं होगा, आई आई याद है इतना जितना। अच्छा सुना तो विभूति को याद होगा, घर में छोटा भाई बहन है ना, पढ़ाना होता होगा कभी कभी, या गूगल से देख ली, इसीलिए इसको याद होगा। अभी 99% चांसेस से भूल चुकी है। स्टार्टिंग में क्या बात है, इमेज याद आ रहा है क्या? स्टार्टिंग जब कोलिजन करना शुरू किए थे तो किसके किसके बीच में कोलिजन था? अफीफा उसमें थी क्या? कोई बाहर पूछे तो ऐसे ही बोलते हैं काम करके अफीफा साथ। तुम खुद ही उसको टारगेट बना के चली हो, ठोकना है इसको। आप हमको ही क्यों लिया, अमन को लीजिए, फरहान को लीजिए, किसी और को लीजिए, कोई और सहारा नहीं लगेगा, सब पतला दुबला है मेरे टिप में। वाशिशा ना ये लड़की नहीं तो भाई तो वो आज नहीं आया ना, आज हमारा एक सारा छुट्टी पे था, हम क्या कर सकते हैं। सांड मतलब मोटा नहीं, मोटा मतलब सांड का मतलब कि हाँ रिलेटिवली हेल्दी है। तुम भी रिलेटिवली हेल्दी हो, नहीं तो आज कहाँ भूकंप आया है? भूकंप आया है हाँ, आज भी कम तो कल भी उत्तराखंड साइड में। अरे क्योंकि ये लोग कोई इतना सारा नहीं है ना, यहाँ सब रिलेटिव सारा है, पतलों में हल्का सा हेल्दी तो लगता है हम लोग। हाँ बेसिकली खाते पीते घर से। अच्छा हम लोग जैसे कुपोषण की शिकार कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग खाना भी खा लेते हैं, छीन के सब्जी वब्जी में इंटरेस्ट नहीं है यार, नजर लगाती है, सबका फोटो भेजते हैं इधर। चलो मजाक हो गया, वापस आइए। एक बार हम इसको लिख रहे हैं ट्रिक के फॉर्म में, ट्रिक था तो वही पहले से यही ट्रिक है, समझाने का बस बात है।
कुछ लग रहा है ट्रिक इसमें? इसको कैसे याद कर सकते हो बताओ, बताइए। सर ट्रिक आप निकाले, आपको मालूम होना चाहिए। यही ट्रिक है, याद कैसे करोगे ये बताओ। अच्छा जो लिखा है उसको गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसी के रिस्पेक्ट में वी वन लिखते हैं, ट्रिक समझ में आ जाएगा। यहाँ वी टू तो यहाँ पे टू, तो यहाँ वन है तो यहाँ, यहाँ टू यहाँ भी टू। देखो इधर ये टू, ये और ये टू, पहला दो टू प्लस यहां वन है, यहां टू तो यहां वन, तो यहां वन तो यहां, और नीचे में तो सही होता है। एम टू लिखे हाँ, ये देखे रखना ही है ना। ऐसे देखो वी टू इज इक्वल टू वी टू है तो अच्छा, एम टू माइनस एम वन इन टू यू टू प्लस टू एम वन यू वन बाई एम वन प्लस एम टू। वापस सुनो, यू वी वन निकालना है, वी वन अच्छा वी वन है तो एम वन माइनस एम टू इन टू वन है ना, तो यू वन प्लस एम टू यू टू बाई एम वन प्लस एम टू। यही पे खेल है, इसके बाद सब आसान सब आसान सब आसान सब इसके डेरिवेशन, डेरिवेशन मतलब आप और केस एड होगा और समझ आएगा। तो V2 तुम निकाले हो, V1 लिख लो, इसी तरीके से निकलेगा। अब इस V2 को वापस इस इक्वेशन में पुट करोगे V2 तो V1 निकलेगा। बस MU जो जहां जहां है वहां याद, बस 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 कैसे है कुछ नहीं, पहला वाला सेम है, सेम एक बार बस देख लेना एग्जाम में पहले फॉर्मूला चाहिए और ये सेम है। इसलिए फॉर्मूला का कॉपी बनवाया, बोले थे ना फॉर्मूला आएगा। वैसे हम आपको बता दें, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम आपसे पूछे थे, आप बोले थे हम देंगे, हम बोले थे हम बना रहे हैं। वैसे हम बता दें नहीं नहीं इस चैप्टर में बस दिखते थे लॉज ऑफ मोशन वाले में, लॉज ऑफ मोशन और कोलिजन, बाकी जो हार्डर चैप्टर ना पीछे वाला वो सबका है। इस वाले का क्यों नहीं है? इस वाले का भी था और छोटा था, दो पेज में दो चैप्टर था, तो अभी तीस तीस पेज में। इस बार नीट से पहले हम लेके गए थे, हाँ हमको रिवाइज करते हुए जाना, सब रिवाइज करके लास्ट में जाता ये पॉकेट में मेरे साथ साथ चला गया सेंटर में, अंदर तक पहुंच गया वहां याद है कि तरीके मेरे पॉकेट में आ गया है। और ये नीट है चेकिंग, गांव और साइड में जहाँ कचरा सेंटर होता ना वहां कुछ नहीं होता, बताया था ना घड़ी की साइड तो खा तो क्वेश्चन आउट होता है, इतना स्ट्रिक्ट लेता तो क्या ही आउट होता है, उससे मेटल डिटेक्टर चेक करता है कि आप तूप तो नहीं लेके जा रहे हैं, कान में टॉर्चर जला के देख लेगा, कान में अंदर कुछ सेट तो नहीं करा रही है, बहुत बढ़िया से चेक करता है। बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग, कहीं पे भी बहुत बढ़िया से बाल खुला कुछ भी ये सब नहीं, कुछ भी नहीं सब कुछ, यहां तक चश्मा वाला भी चेक करता है, कुछ भी हो। अरे तुम ठीक है ना, हटाने के हमको क्या है, अच्छा टकला हो जाओगे। बाल का बात करें तो बोलते हटा देंगे, वहां पे तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये सब चीज। उसके बाद फिर वो फाइनली रबर बैंड आपको देगा, रबर बैंड देगा, रबर बैंड लगाई और जाइए, और पेपर वाला रबर बैंड तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहां पे, लेकिन पेपर मेटल डिटेक्टर में थोड़ा ना पता चलेगा। और वो ऐसे टच किया, एक तो पेज था बोले बहुत छोटा था, अब उसको लगा होगा पैसा है, ये भी हो सकता है, अंदर गए तुमको पॉकेट चेक किया सच में था, टेंशन होने लगा, बोले भाई दो तीन बार एग्जाम चलते हैं रिकॉर्डिंग करने आता है, कभी भी किसी को भी खड़ा करा के चेक कर सकता अंदर भी, तो अगर गलती से आप ही खुद ही डालो, क्योंकि अगर वो पकड़ लिया तो फिर पुलिस तुमको पकड़ेगा, इंसान इन्विजिलेटर सस्पेंड ये सब कुछ नहीं, सीधा पुलिस। और अगला दिन आपका थोड़ा न्यूज पेपर में आएगा, फेमस हो जाइएगा। तो क्या करें भाई, निकले एग्जाम शुरू नहीं हुआ, एग्जाम शुरू होने से पहले याद आ गया, जाके उसको वॉशरूम में डाल दिया, वॉशरूम में ऊपर का रख लेते, छुट्टी में ना लेके चल जाएंगे, बहुत काम का बहुत अच्छा बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। छुट्टी हुआ देखिए वॉशरूम लॉक था, बोले अब किसको खोजे, यहाँ सेंटर है ये भी नहीं पता किसको बोलेंगे तो खुल जाएगा, फिर छोड़ दिया, बोले जाओ। लेकिन उस स्कूल में मेरा हिसाब रहा,
जिस दिन वहां से गुजरेंगे एक बम तो मार के जाएंगे। मेरा नीट खराब कराने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। अच्छा, बिना टाइम का यार कुछ नहीं हुआ। जो आदमी को घड़ी के हिसाब से नाचने का हाथ होता है इतना ना इतना चच्चा चल जाएगा। खैर चलो ये हो गया। अब केस केस वन, अभी देखो सब चक्कर होना शुरू होगा। असले किसी और को एग्जांपल तो नहीं बता रहा एक पहले हम गाना चालू करते। केस वन, केस वन, इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम, यानी दोनों का मान बराबर है। मतलब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल है तो हम और आयुष, एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम, हम और आयुष दोनों दुबले पतले, दोनों का हाइट वाइट भी सेम और हम दोनों का मास ऑलवेज बराबर होगा। तो हम दोनों में जब टक्कर होगा तो V1 और V2 क्या होगा ये बताइए। इसमें पुट करो, पुट करो, पुट करो, पुट करो, मान लो पुट करो, सामने लिखा हुआ देख के पुट करी, मेरा शकल देख ली क्या इतना बड़ा बॉम्ब में पुट करवा रहा है। दोनों का मास बराबर है, ये क्या तेल समझ में आया, मास बराबर जो ये टू है, टू टू गया एम एम गया, क्या बचा एम यू वन बाय एम, सिर्फ बचा, वी टू कितना हो गया यू वन, मतलब जो अगर वही एग्जांपल तो जिस स्पीड से आपकी बात दौड़ के आ रही थी वो बाद में साधन की स्पीड हो जाएगा, है ना, वही कह रहा था। वी वन कितना आ गया वी टू, मतलब साधन का स्पीड कितना आ गया U1, मतलब जितने से वो दौड़ के आ रही थी उतने से वो फेंकाया। अगर मास बराबर हो तो अच्छा हमसे नहीं अब साधन आएगा उसी तरह U1 निकालो, U2 बचेगा, U2 बचेगा, चल गया ये कटेगा, टू टू होगा तो टू टू गया, टू टू गया U2 बचेगा, मतलब ये साधन, हाँ मतलब जिस स्पीड से साधन टहल रहा था उस स्पीड से ये फेंकाया। कहने का मतलब ये कि वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड, देख रहे हो, जितने से आप M1 से जितना चल रहा था बाद में M2 का स्पीड उतना हो जाएगा और जितने से M2 चल रहा था बाद में M1 का स्पीड उतना हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए पहले U2 और V2 लिख लीजिए। U2 कितना आया, आई मीन V2 कितना आया, U1 और V1 कितना आया U2, बस केस जो लिखे उसमें ये आंसर लिख लीजिए, सीधा आंसर लिखिए, अब आप डिराइव नहीं करना, हम इसलिए करवाए थे अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो तुम ये कर सको। और अब इसी के अब ये केस ला तो बस यही तो पुट करना है, और नहीं तो अगर तुम लोग भाई अगर 11th 12th के बाद उसे मिलोगे टारगेट वैसे में तो सीधा ये लिखो वहां पर प्रूफ नहीं करना। हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज इंक्लूडिंग डायरेक्शन, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज, velocity gets exchanged including direction, हो गया। चलिए अगला केस, if m1 is greater than m2, हाँ बहुत बड़ा, लिख के दिखा दो, नहीं ये greater गलत मतलब हाँ M1 is, इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है ना, एक बड़ा मतलब से बड़ा होता है, इसी में पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन, ग्रेटर ग्रेटर देन M2, ब्रैकेट में लिख देंगे अच्छा, तो वेरी ग्रेटर लिख लो बहुत बड़ा था। एग्जाम्पल लेते हैं तो यही एग्जाम्पल रहेगा, मान लो ये M1 है, ये है एलिफेंट अरे बस आंसू आ ही गया था, जितना बचा था सोचो डर भी तो लगता है, हाथ ही टकराएगा अभी क्या होगा, ये मत बोलना कुछ नहीं होगा। खांसी हॉस्पिटलाइज नहीं होगा ये तय बात है। खैर फुट कीजिए और निकालिए आंसर। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होगा, अगर कोई ये बोले कि हम समुद्र में एक बूंद पानी डाल के समुद्र का वाटर लेवल राइज कर दिए हैं
तो सामने वाले को उसे समुद्र में डुबा के मार देना, ठीक है। चलो कुछ केसेस लेते हैं, ये बात समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेशन का। अगर हम बोले कि भाई हम अफीफा से कुछ पैसा लिए और हम बोल रहे हैं कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दे देंगे, अफीफा खुश हो? नहीं, उनको माल वापस नहीं देंगे। अच्छा नहीं, बॉन्ड साइन करके दे रहे हैं कि हम वापस देंगे, मंजूर? हाँ बोलिए बोलिए। मतलब मंजूर, पक्का ना? कितना दोगे? 4,000। वो मेरा ही था। तो यार मेरा ही चुना लगा रही है, हम इसका चुना लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप बॉन्ड साइन कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, कितना दोगी बताओ? बोले तो 4,000। चलो 4,000, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके बोले ना, ना? जीरो करेगा? अच्छा जीरो नहीं, जीरो नहीं करेगा। खुश? और कुछ मल्टीप्लाई करें? वन भी नहीं। वन भी नहीं, चलो ठीक है। और कुछ बाकी? ठीक है पक्का? मल्टीप्लाई चलो तुम्हारी खुशी के लिए इसको ऐसा कर देते हैं। अब बताओ मंजूर था ना, बॉन्ड साइन हुआ था, कितना वापस आएगा? मतलब छोटा, अगर हम बोले चलो अफीफा हम तुमको 4,000 दे रहे हैं तो हमको इतना ऐड करके दे देना, अफीफा बोलेगा जाइए आप भी खुश रहिए। ये भी नहीं दोगे ऐड करके? 0.000 में तो ऐड नहीं होगा। देखो एक होता है कंजूस, एक होता है चिंदी चोर, एक होता है चिंदी चोर, एक होता है कंजर, तुम उन सबसे प्रो लेवल पे हो, ये भी ऐड नहीं हो रहा है, मतलब ये खुशी खुशी लगेगी। अच्छा अगर हम बोले कि भाई 4,000 है इसमें से कुछ माइनस करके दे दो, बोलिए क्या ही फर्क पड़ता है कर लीजिए। मतलब ये कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्रोक्सीमेशन कीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर अमाउंट बहुत छोटा है, बट जब मल्टीप्लाई का बात आए तो 10 मिनट सोच लीजिएगा, सामने वाला डेसिमल में भी मल्टीप्लाई करके दे सकता है। ठीक ठीक ना, यही समझा रहे थे। समुद्र में एक बूंद पानी डालेंगे या एक बूंद पानी निकालेंगे तो कोई वाटर लेवल में चेंज नहीं आना है, लेकिन अगर हम खाने के समुद्र के पानी में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत छोटा सा, तो और टेंशन का बात है। 10,000 लीटर में 0.1 लीटर इंटू करेंगे तो छोटा ही हो जाएगा और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, देख रहे कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है, छोटा मोटा भी नहीं। और अगर लग रहा है कि इसमें कम फर्क पड़ेगा तो इसमें भी कितना हो जाएगा, कहां 4,000 कहां 4,3600 डूब गया, तो मल्टीप्लाई करते वक्त सोचना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्रोक्सीमेशन कर सकते। ठीक, रियल लाइफ एग्जांपल से ज्यादा समझ में आया होगा, 3600 डूबा है, आप निकालिए आंसर, हमको बताइए, सेम आपके पास, अप्रोक्सीमेट एंड टेल मी, एक बहुत बड़ा है बहुत छोटा है। क्या कर रही है, लिख जल्दी, मजाक मस्ती में पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए अपनी बात। मस्ती करते भी इसलिए कि पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होता, हम लोग पढ़ भी रहते हैं, अगर तो पढ़ना छोड़ जाएगा तो मस्ती करना छोड़ देंगे, और मस्ती छोड़ेगा तो कितने खतरनाक हो सकते हैं वो विभूति जानती है, बस तुम लोग ना जानो हम वो चाहते हैं। आया कुछ? क्या कर रहे हो, बस फुट करो यार, देखो M1 बहुत बड़ा है, यहाँ क्या आएगा माइनस M1, M1 माइनस M2 करेंगे तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इस केस में बात करें तो समुद्र में एक बूंद पानी निकाले समुद्र का मास कम हो गया, नहीं M2 माइनस M1 कितना आएगा, माइनस M1 माइनस M1 समझ रहे, M1 प्लस M2 कितना आएगा, M1 बस
एम टू माइनस एम वन, एम टू बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, माइनस एम वन होगा। यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? ज्यादा तेज नहीं बनने का, मल्टीप्लाई है ना, क्या करेंगे? अब यहां से देखो एल वन कॉमन निकलेगा, कट टू फिफ्टी करो, जल्दी जल्दी करो बच्चा, यू आर वेरी स्लो। अभी तो दो और केस बचा है, बाकी लोग मिस्टेक कर रहे होते थे। माइनस नहीं, सिर्फ टू यू वन। आया अर्पिता, और वी वन कितना आया? वी वन कैलकुलेट कर रही करो। आफिफा कुछ भी आया? तू अगले क्लास से फर्स्ट बैठे, हाँ फिक्स रहा नहीं, क्या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं सुनने वाला, बस फिक्स ठीक। अरे वो कहना जरूरी मारेंगे इसलिए इधर बुला रहे। कॉपी देखते रहेंगे, गलती को बताते रहेंगे, ब्लंडर की ठोकते भी रहेंगे। खाली बैठे तो डबल ठुकाई, गलती करने पे नहीं मार रहे, भूल गई, गलती करो नो इशू, ब्लंडर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आता फिर भी गलती कर रहे हैं। आया कुछ? हाँ V1 U1 आएगा, देखो तुम कहाँ इक्वेशन लिखे हो, इक्वेशन पुट करो V2 और V1 का, करो क्या होगा? माइनस M1 वो बड़ा होता है, ये तो जीरो ही हो गया ना, ये U2 है ना, हाँ। और U2 डैश में था तो ये पूरा टॉप हो गया। वहां देखो क्वेश्चन चीटी केस में है, तो ये तो पूरा गया, क्या बचा? टू एम वन यू वन बाई एम वन, एम वन एम वन क्या बचा? टू कहा गया? हाँ तो टू एम वन के स्क्वायर थोड़ा ना है, तब बचता है एम वन, तो क्या बचेगा? हाँ ओके पक्का, हाँ उसी तरह भी निकालो। आ गया सबका? और सेकंड वाला इच्छा सुन रहे फटाफट कीजिए, जान बुझ के आप लोग इतना समय दे रहे हैं, आज उसको खत्म करने के मूड में थे फिर रुक गए, आप लोग कैलकुलेट खुद से नहीं करना चाहते हैं। आज तो घर जाएंगे सबसे पहले लैपटॉप खोल के पैकेज भेजेंगे, बहुत दिन से पैकेज दूसरा लैपटॉप खोल ही रहे हैं, ऑफिस वाला लैपटॉप खोल के काम कर रहे हैं और उसमें और कुछ चलाते नहीं है, आज छुट्टी है, दूसरा वाला लैपटॉप खोलेंगे, ऐसे भी मैथ्स का ट्रेनिंग खत्म, अब हम हजार पंछी
अभी हमको कोई नहीं रोक सकता, बवाल कर देगा अगर कोई रोका तो। अगला केस, केस थ्री। अब केस थ्री, केस वन था दोनों का मास बराबर, वापस बोल रहा हूं, केस वन था दोनों का मास बराबर, केस टू हाथी और चींटी टकराए, चींटी रुकी थी, हाथी चल रहा था ठमक ठमक के, तीसरा केस हाथी मस्त एकदम पावर नैप ले रहा था और चींटी रानी भाई अपने हाथी वाले दोस्त को खून देने दौड़ रही थी, याद है वो जोक, हाथी फटाफट हाथी नहीं चींटी ऑटो से एकदम दौड़ते हुए भाग रही थी स्पीड में बाइक चला के, पुलिस वाला रोका आप क्यों जा कहां जा रही मैडम, मेरा हाथी हॉस्पिटलाइज है दोस्त उसे ब्लड देने जा रहे हैं, वो वाला जोक वही वाला जोक नहीं सुने कोई सुने, चलो आज पहली बार अफीवा कुछ पुण्य का काम किए, बोले इसमें क्या पुण्य, बोली ना नहीं बोली, ठीक है फिर से इसे को लाते हैं, नहीं बोली बोली कि नहीं बोली, देखो इसको कहते हैं डर। केस थ्री, केस थ्री में हाथी मस्त वेट कर रहा है एकदम, ये लिखे हाथी मस्त वेट हाँ तो लिख एलिफेंट इज मस्त रेस्टिंग, एलिफेंट इज रेस्टिंग नहीं मस्त भी लिख रहा है, विद सिंगिंग सॉन्ग ऑफ बोट एयरफोन हेडफोन सिंगिंग, अंग्रेजी गुड फॉर एलिफेंट नहीं आती तो मत बोली खराब तो मैडम जी बायजूस का हर क्लास कंप्लीट इंग्लिश होता है तो यहाँ खराब वाली की बोल रही क्योंकि तुमको अच्छा वाला नहीं आता होगा ना इसीलिए प्लीज रहने दीजिए सी इज एंड बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हो नहीं पता, अच्छे से इंग्लिश में पढ़ा के दिखा बोलो तो पूरा क्लास इंग्लिश में पढ़ा के दिखा सकते हैं, बाकी को आए ना मतलब बाकी को आएगा तेरे को आए ना नहीं जानते उसका आगे आकाश आएगा आपका नहीं आएगा, ओके गुड फाइन, सो एलिफेंट एंड एंडर देयर क्यों सीरियस हो रहे हैं तो दिस टाइम दिस एंट इज मूविंग विथ ह्यूमन ओके जा रहे हैं अरे वो प्रॉब्लम नहीं आप आराम से समझाइए इसका ईगो पे क्यों लेना छोड़िए अच्छा ठीक है ये एंट अरे चींटी मल ले दिया एंट जो है ना ये ह्यूमन से चल रही है ठीक है और एलिफेंट चाचा जी रेस्ट कर रहे हैं तो एलिफेंट एंट के रास्ता में आ गए और एलिफेंट का रास्ता में सोना एंट अपने ईगो में ले गई बोली इसको तो टक्कर मार के भगा के जाएंगे ठीक है तो एक बार आई धक्का दी कुछ नहीं हुआ फिर लात मारी कुछ नहीं हुआ अब फिर जैसे नहीं जाएगी यहां से यार युवा से दौड़ते हुए आ रही है इसमें टकराने के लिए कि टकराएंगे तो हाथी फेंका जाएगा और अब आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अब जरा बताओ क्या होगा हाथी कितने वेलोसिटी से फेंकाएगा सच में ऐसा लगता है हाथी नहीं फेंकाएगा चींटी फेंका जाएगा एक बात बताओ मान लो यहाँ पे हाथी सेटिंग यहाँ से चींटी दौड़े यूएन से जाके टकराई तो ये हाथी नहीं फेंका अच्छा ठीक है चींटी किधर फेंकाई रिबाउंड कर जाए गुड तो जो हम लोग फील इमेजिन कर रहे हैं क्या वो फिजिक्स बोलता है देखो तो नहीं अरे बोलेगा तो देख तू पुट करके देख ना पुट करके देख देख हिंदी में बता लिखते हैं एलिफेंट लिखते हैं एग्जैक्टली हम यही समझाना चाह रहे हैं मेरा आपको ना करना है हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत ज्यादा है एमोन से एक हाथी एक चींटी मजाक कर रहे तो एक जगह फीफा लिखते हैं एक जगह किसान का नाम लिखते हैं
लिखी डांडिया कर रही है लिख अरे इसको लिखे हाँ इसको लिख उसके बाद वी वन और वी टू निकाल ना ये तो घोल के पी जाना था बस हाँ यूज करेंगे दिस बस यही तो हाँ यू विल गेट दैट हार्ट इज एट रेस्ट एंड दिस चींटी विल रिबाउंड ये तो बोल के वही है हम तो जस्ट चेक इट आउट ना रिबाउंड का मतलब क्या रिबाउंड का मतलब क्या वापस लौट जाना मतलब अगर पहले वो यू वन से दौड़ रही थी तो लौटेगी माइनस यू वन से निकाल कर देख सब सेम आएगा हाथी रुकिंग जरा सा भी नहीं कुछ तक नहीं आए सांस लेंगे नहीं अगर तुम्हारा हाथी तो उसे की टांग लेती चींटी कितना टांगेगी चींटी बहुत कुछ कर सकती बाबू लाख लाख ले आएगी चींटी अपना उसका गैंग बहुत बड़ा होता चींटी से नोट कर लेंगे I want these answers, V1 and V2. अरे पिताजी आपको कुछ आया आंसर क्या हो गया क्या गलत लग रहा है कौन धोखा दे रहा है चींटी यहाँ थी भैया आप पिछले वाले केस में चींटी को यूट्यूब बनाए थे उससे क्या फर्क पड़ता है तो चींटी हाथी थोड़ा देगा तेरे को देखा किसका मांस ज्यादा है किसका मांस कम है कौन रुका इस वाले में कम मांस वाला रुका था ज्यादा मांस वाला चल रहा था इस वाले में ज्यादा मांस वाला रुका है कम मांस वाला चल रहा ऐसे याद करना रुका हाँ बोलो क्या पुट कर दिए M2 किसको लिया हाथी को ठीक है M2 U2 U2 देखो U2 कितना गया चलो इसका बात करते हैं 2 M1 U1 M1 किसका उसका ठीक है ठीक बाय M2 M2 minus M1 into U2 ठीक है ठीक है चलो तो M2 किसको माने हैं हाथी को तो ये तो रहेगा लेकिन U2 जीरो तो ये कहानी खत्म 2 M1 U1 M1 है चींटी U1 उसका वेलोसिटी है और नीचे में M2 बच रहा है क्या मिस हो रहा है देखते हैं कुछ मिस हो रहा है सर प्रूफ नहीं किए हैं बट मेरा कॉपी देखने के बाद ज्यादा जल्दी नहीं V2 को V2 निकाल देगा जीरो आना चाहिए था हाँ पांच कुछ होना V2 जीरो आना चाहिए कुछ गड़बड़ वही क्या नहीं गड़बड़ से क्या फर्क पड़ता है तो मार से व्यवस्थित रहना हाथी को थोड़ा ना कुछ होगा M1 चींटी M2 यहीं पे खेला हुआ है हाँ ठीक तो है ठीक है जीरो आएगा नहीं नहीं आएगा पक्का आप मतलब जैसे बताया वैसे हाँ नहीं आएगा जीरो जैसे बताया वैसे ही सब सही निकाले हो अभी भी जीरो नहीं आएगा एक में 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा समझे बात चींटी के मास में हाथी के मास से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा ना जीरो बकलोला नहीं बकोल्ला बकलो तो कॉमन दिस इज 21st century समझे नहीं समझे अप्रोक्सीमेशन का 3 रूल हम लोग पढ़े थे ना एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में बात करें अगर तो अगर बहुत छोटे में बहुत बड़ा अमाउंट जब डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट जीरो आता है अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पे M2 greater than M1 है तो
तो ये जीरो आएगा। आपका जो आंसर आया वो आ रहा है 2m1u1/m2, यही आ रहा ना। तो m1 किसका मास है, उसमें डिवाइड किसे किए हैं, जीरो आएगा अप्रोक्सिमेटली। v1 निकालो देता है u1 प्लस जाएगी। माफी माफी कितना आ गया u1 v1 सोच लो इट विल बी बेटर फॉर यू। रफीका नहीं बन रहा तो बना मिस्टर फरहान चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कुछ भी चलो फरहान चट्टोपाध्याय नहीं फरहान झुनझुन वाला और फरहान से चट्टे। अरे हम समझ आ रहा है ना, देख ये गाइड टकराए उसी से वापस लौट गए इसलिए माइनस यू1। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन इस हिसाब से एकदम सही है। तो जब आप जाइएगा हाथी में टकराइएगा तो हाथी को कुछ नहीं होना है, आप वापस पे मतलब अगर आप चीटिंग है तो मैं तो नहीं, हाथी भी थोड़ा बड़ा हिलेगा डुलेगा ठीक। यहां तक नेक्स्ट केस लास्ट केस लास्ट फॉर टुडे केस 4 उसी का तो अभी फिर टॉपिक है क्या, उसके बाद 2 dimensional में कोलिजन बस अगले क्लास में खत्म कर दूंगा मैं। हां हालत में इसको आज ज्यादा डेरिवेशन नहीं करूंगा, सीधा काम होगा। अब रेगुलर क्लास में करवाएंगे, बोलते बोलते रहते गए अब घंटा नहीं कर रहा है। क्या चीज रेगुलर क्लास रेगुलर क्लास इसका नहीं करा रहा। 12th वाले लोगों को एकदम से अगर छोड़ देंगे तो वो लोग झक मारेगा नहीं, तो इसीलिए उन लोग का आखिरी चरण चल रहा है तब से। पक्का बात करें पढ़ाते हैं 15-20 मिनट उतना ही पढ़ाते हैं, उतना ही देर बुलाते हैं बस उतना ही पढ़ाते हैं, आधा घंटा पढ़ाते हैं, आधा घंटा कभी तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लो भाई, हम लोग को टाइम नहीं पढ़ा दीजिएगा, बोले अगस्त 7 तक कंप्लीट करेंगे सुबह 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 तो हम भी आ सकते हैं, तुम भी चलिए चलिए सुबह वाला बैच ज्वाइन कर सुबह वाला भैया सुबह वाले सुबह में नहीं होता है 11 तो वीकेंड वाला पकड़ सैटरडे संडे दो दिन छह छह घंटा बताया नहीं है तो बोली पूछ ना हम बोल हम पूछे कहता है सारा बैच एक जैसा होता है आप वीकेंड में बोलो हमको भी करा दो आप चलिएगा वहां से कॉल कर लियो साजन तो वहीं से कॉल कर रहा था सर ऐसा बोल रहा है बोलो श्री बोल फिर बताता था कॉल करे सर को तो पहले वीकेंड बैच होता है सैटरडे संडे दो दिन बस बुलाएगा 6 घंटा रखेगा घंटा इसमें गैप भी देता है ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता सब बीच बीच में गैप मिलेगा, एक दिन में कम से कम 3 पेपर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में से कोई एक। अच्छा 2 दिन हुआ काम का 2 घंटा आराम से हो जाएगा 2 घंटा सिर्फ 12th के जाएंगे ना अरे वो नौटंकी है भयानक नौटंकी है नौटंकी है हमको सील जो बनाया है। अच्छा इधर से जो होगा ना इसमें टेस्ट वगैरह भी होगा, अब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या बोले बैच पा जाएगा नीचे इसके लिए भी पढ़ उसके लिए भी पढ़ एक मिनट बैच अभी फिक्स नहीं किया है, बैच 1 तो फिक्स है, आप क्या एक बार बोले थे ना वो सेशंस में होता है अभी भयानक तरीके का नौटंकी होगा, तुम जाओगे क्लास में से बैठ जाओगे टीचर बैठा रहेगा सामने कुर्सी पे
बोलेगा जो डाउट है पूछो। तो रिवीजन नहीं है, डाउट सॉल्विंग टाइप का होगा। टेस्ट होगा, टेस्ट तो उसका जिंदगी भर चलेगा, हर सप्ताह में एक टेस्ट होगा। अब उसी में से बोले कहने बन रहा, वो कहने बन रहा ना, ये उतना ही पूछेगा। तू अगर पढ़ने वाला तो ही पूछेगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। खुद पूछेगा सर इसे, हाँ वो चलेगा, लेकिन वो तरह पे तुमको लगा और नंबर कम रहेगा, लगातार नंबर लाइए नंबर लाइए, अगर तुम टीचर से मिलते रहोगे डायरेक्टली बोलते रहोगे तो सपोर्ट करेगा। तुम छोड़े तो मतलब कोई भी पूछना है, इतना डिफिकल्टी वाले में यहाँ से हम कॉल कर देते हैं, वहां से काउंसलर कॉल करेगा। आपका पेमेंट नहीं आया, आप आ भी नहीं रहे, पेमेंट ले लीजिए, आप आइए या मत आइए। ऐसे जब से ना उस टाइम बगल वाली कोई थी मैम, वो कल आप क्लास में आए थे, क्लास में भी कॉल करता है, बोल तो रहे करेगा काउंसिलर टीचर को, टीचर वहाँ पे जो अच्छा अच्छा था लोग करता है, हम लोग कॉल करता है टीचर को, पर्सनली कॉल करते हैं उन लोगों को, ऑफिशियली कोई नाम नहीं है, पर्सनली है तो आया नहीं। अच्छा तो बीमार है ना, नीट हम दे लेंगे, अगला दिन शादी बीमार में बुखार थोड़ा बेटर हुआ ठूस का आया है, आप तो देख लीजिए फिर कब बीमार है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर टीचर को लग गया कि तुम रिजल्ट दे सकते हो तब तेरे को नोट्स के रिजल्ट लगिए के छोड़ेगा, अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर यूर ऑफ नो ही नहीं छुपाने के लिए तैयार है। क्या मतलब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम फिल्म का डायलॉग बंद कर, एक तो सा बस देखो, पिछली बार के टक्कर से इस बार दोनों की ईगो पे आ गया। पिछली बार सबसे पहला केस में हाथी चल रहा था, चिंटी मस्त लेटी हुई थी, दूसरे केस में हाथी लेकर था चींटी चल रही थी, इस बार दोनों चल रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट। चींटी गई, चींटी कान में घुसेगी ना तो उसका पैर के नीचे आएगी। एक अब भाई बहुत चीजों का बात आ गया है, अब क्या किया जाए, चींटी अब बस आई है, बीमा कितना और बीटी कितना, बायोलॉजी में कितने लोग हो, कोई है स्कूलिंग बायोलॉजी में, नहीं ना। अच्छा लेकिन अब सेशन में कॉलेज तो रहेगा ना, फिर भी सुबह सुबह चाहे तो कर सकते, अच्छा जाओ क्लास को, दिक्कत अगर होगा तो कुछ उसके बाद सर लेकर ताना मारेंगे, खास के ताना का कोई मतलब नहीं बनता, उनको पता है दिक्कत होना ही बायोलॉजी में सर, मेडिकल केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, बायोलॉजी भी हो जाएगी एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाएगा, नीट वाले में इशू करता है तो हमें पता नहीं है, हमको पता है पहले से ही रुला रहे हैं, वहां गए हैं हम, रहे एक साल दो साल नहीं तीन साल साढ़े तीन साल कायदे से बोले तो ड्रॉपर कैसे ही कहते हैं, हाँ ड्रॉपर भी है, हम सब कुछ जान ड्रॉपर का कितना रहते हैं, मेरे से मत पूछ क्योंकि मेरा बहुत कम था। तुम लोग एक साल का कितना दिए हो, 86 एक साल का, तुम 94, हम दो साल पढ़े थे 73, तुम लोग का एक साल का पेमेंट से भी कम है, दो साल पढ़े बुढ़े लोग पढ़ते थे उस टाइम पर, जी नहीं वो बहुत ज्यादा इतना समय थोड़ा ना, कितना सर 6 साल इतना ज्यादा हाँ तो कितना आया था पिता, 2U1 - U2 किसका वेलोसिटी V1 नहीं V2 मतलब चींटी का हाथी का किसका V2 किसको मानिए, देख M2 जिसको मानिए वही V2 होगा, हाँ तो कौन चींटी या हाथी, चींटी हाथी का कितना आया, अच्छा कायदे से बताओ क्या होना चाहिए, देखो पहले फील करते हैं, ये चींटी ये हाथी, हाथी मस्त चल रहा, चींटी को अब दो बार बेचारी फेंका चुके हैं, ये बार और इसमें दौड़ रहा है, ये बात तो नहीं छोड़ेंगे, तू तो गया हाथी ना, दौड़ के आई हाथी से टकराई चींटी का क्या होगा, और हाथी का क्या होगा, हाथी जैसे चल रहा था वैसे स्पीड कुछ घटेगा नहीं,
उस डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नहीं निकाल के देख आता कि नहीं आता। नहीं मार भी तो आज ही का बात है, एक घंटा भी नहीं मजा। ये थोड़ा और छोटा होगा सर, क्या कम से कम इतना भाई आप ही काट दीजिए। याद रखूंगा कोई दिन मूड खराब हुआ सच में हम काटेंगे, हम नहीं छोड़ते इस चीज़ के। सर मुर्गा जी छोड़ दिया तो दिक्कत तो जाएगा, सुबह सुबह आपकी क्या करनी सब बात में। सुबह 4 बजे आ गए आपका बैटरी बचेगा कम से कम, हम तो बढ़ जाएंगे इसके बाद। फिफा क्या कर रही है बच्ची, कर कुछ भी कर, नहीं समझ रहा, गलती लिख फिर हम समझाते। ये वैल्यू पुट का इक्वेशन जो हम तब से लिखे थे यहाँ पे, वो वैल्यू पुट का इक्वेशन लिख, अब तो याद होना चाहिए। V2 का इक्वेशन बताओ, M-M-2 V2 था तो पहला M2 होगा, नहीं दोनों सेम होता है, 2M1U1 अद्भुत अद्भुत बोल रहे हैं हम, पहले V1 बोल रहे हैं तो यहाँ पे M1 हो जाएगा। आप ही उसको कंफ्यूज कर दिए, वो तो सही बोल रहे हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो इस बार कोई कमेंट आया तो पक्का तो बाहर जाएगा। किसका तू बता, तू किसका बताएगी? V2 बता। M2 माइनस M1 सॉरी आगे चलो चलो देखो बस बताओ, M2 माइनस M1 आगे U1 जो होता है हम अभी कैसे देखो V2 बता रहे हैं तो U1 होगा ना, सेम V2 इज इक्वल देखो भाई कब देखो V2 इज इक्वल टू M2 क्योंकि V2 है तो M2 माइनस M1 × V2 ना तो V2 प्लस 2M1U1 / M1 का संयोग। फिर से बोलो M2 माइनस M1 U1 2M1 and U1 प्लस या माइनस प्लस बाय M1 + M2 गुड। अब लिखो V2 बाहर हो गया, हाँ ठीक है वैल्यू पुट करो हाथी और एंड यहाँ क्या होगा M1 माइनस M2 होगा ना बच्चे। अभी बताओ हाथी में से चींटी को माइनस किया ना, नहीं चींटी में से हाथी को दिया तो क्या आएगा M1 माइनस M1। देखो क्या लिखी है तू माइनस M1 देखो क्या लिखी हो आपको दिखाई नहीं दे रहा माइनस M1 स्मॉल लेके कैपिटल ले क्या फर्क पड़ता है, वो M था M कहाँ था सर M लिखे थे ऐसे, अरे ये लाइन नहीं दी थी लिखने से पहले M बाद ही था मगर। चलो आगे YouTube हाँ लिखो तो M1 U1 हाँ। अब हमको एक बात बताओ सब लोग क्या इक्वेशन मारा था आपको दिखाना, बोलो तुम्हारा इक्वेशन V1 के लिए या V2 के लिए कोई कोई इक्वेशन हो कैसे बनाया था नहीं ठीक है हो जाएगा। चलो दिखाओ तो आगे 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 सॉल्व करो, यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए M1 और M2 क्या होगा M1 देखो तो तुम M1 किसको मानेंगे,
कसम खा के नहीं मानता क्या? तो बेल्फेट मान ली ये केस भी। अच्छा तो लिखो अब सॉल्व करो V2 निकालो यहाँ से M1 कॉमन आएगा M1 करेगा करो वो नहीं करो नहीं देखो स्टेप बाय स्टेप कॉमन निकालो ये क्या लिखी हो M1 माइनस M1 हाँ ये वाला और कॉमन कहाँ से निकाले हो तो इन दोनों को मैंने सबसे नहीं किया कैसे निकलेगा कॉमन इन दोनों का आएगा एडिशन में डिवीजन में कॉमन थोड़ा ना आता है माइनस में ये प्लस में ना इसको रिवर्स कर लो तो तुमको और अच्छा से दिखेगा तुम्हारा नहीं निकला मत दे मत दे कॉपी मत दे मत दे अब यहाँ से M1 कॉमन आएगा देखो तो 2U मतलब हाँ 2M नहीं सिर्फ M आएगा एम कॉमन निकालो इनटू क्या बचा 2U1 ब्रैकेट लगा माइनस क्या क्या बचा U2 बाय क्या है M1 लिखो M1 और M1 कटेगा काटो क्या बचा U2 क्या आया ये क्या निकाले लिखो बस आ गया V2 बस ये बात ही ऊपर लगे ठीक तुम्हारा मैथमेटिक्स में इश्यू है अब तुमको क्या करना है आज हम घर जाएंगे तुमको एक चैप्टर भेजेंगे अलजबरा क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और तेरे को वो आज में कंप्लीट करके भेजना है एक्सरसाइज उसमें से 10-15 क्वेश्चन होगा वो हमको नहीं पता तेरे से नहीं बने तो बाकी सबको जगह रात भर लेकिन हमको आज रात के 10 बजे से पहले 10 बजे नहीं 12 बजे करेंगे 9-10 बजे नहीं होगा तुम्हारे हिसाब से आज करेंगे मेरे को आज आंसर चाहिए 10 बजे से पहले नहीं एक चैप्टर पूरा हमको आज उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा वो तो 50 क्वेश्चन होगा तो फैक्टराइज कॉमन निकालने में कितना समय लगेगा कौन बोलोगे कौन बैठोगे ये सब बताना होगा आज तो बाकी सब काम छोड़ दे मम्मी क्या आप डांट सुन लीजिए ठीक है तो हमसे बात करा दो अगर दिक्कत नहीं मम्मी को क्या दिक्कत है मम्मी तो बोलेगी बेटी पढ़ क्या दिक्कत है विमल कितना है तो बात करा देना M1 U1 plus V1 कितना आया वही बता रहे हैं M1 U1 plus 2 M2 U2 by M1 तुम्हारा भी इसीलिए जब हाथी जाके इसमें टकराएगा चीटी में तो हाथी के वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ना था नहीं तो उसको U1 ही आना चाहिए अब तुम लोग निकालो एक बाकी M1 ज्यादा इसको क्या माना M1 हाथी चीटी U2 कट्टा-कुट्टी कर लो बस कट्टा-कुट्टी करो सही जा रहे हो कट्टा-कुट्टी करो दिमाग लगाओ अब सिर्फ कट्टा कुट्टी खेलना है जल्दी ब्रेक करो उसको ब्रेक करने का तो सोचे बट हाँ करो सोचो ना फिर बताते हैं खुशी खुशी युवा हम लिख के दिखाए बोलो जरा बोलो हम करके दिखाते हैं कितना आया था कुछ जरा बोलो तो कितना पढ़ा था क्या M1 U1 हाँ 2 M2 U2 हाँ M1 यही था ना M1 कौन था हाथी की चिट्ठी हाथी इसमें से ब्रेक कर सकते देख तो हाँ वो तो किए उसके आगे आग लगा
आ गया, आ गया, इसको जीरो पढ़ना है, ये गया। चिंटी भाई हाथी, अच्छा बे तुम तो इतना भी नहीं निकाल। वाह, फिर से कहो, फिर से बताते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अगले क्लास का हेडिंग डाल लीजिए, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन अगले क्लास का हेडिंग होगा, उसमें फिर से यही सब होने वाला है। नहीं, बहुत अच्छा है। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन लिख लीजिए, और उसके बाद तब तक आप उसको लिखिए, हम फीवा को बता रहे हैं।